दोस्तों मेरे पास एक मैग्नेट है, ये एक कंपास है। क्या होगा जब मैग्नेट को कंपास के नज़दीक ले जाऊंगा? ये देखिए, जब भी मैं इस मैग्नेट को कंपास के नज़दीक ले आया, उसका नीडल डिफ्लेक्शन होने लगा। ये देखिए, फिर से देखिए, ये साउथ पोल और मैग्नेट का या कंपास का नॉर्थ पोल, उसको घुमा दिया, फिर से ये नॉर्थ पोल, ये कंपास का नीडल का साउथ पोल आ गया। यानी मैग्नेट को जब इस तरह से हिलाऊंगा तो उसका नीडल भी इस तरह से कुछ इस तरह से हिलने लगेगा। ये दरअसल ये चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से ये हो रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव से इसका कंपास का नीडल भी इधर उधर डिफ्लेक्शन होने लगा। तो अभी अगर ये वायर के थ्रू अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे तो क्या होगा? क्या ये नीडल डिफ्लेक्शन करने लगेगा? तो आज एक एक्सपेरिमेंट के जरिए ये देखेंगे। तो मेरे पास ये एक सेल है बैटरी, अभी इस वायर के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करके देखेंगे। इसको कनेक्ट करता हूँ, देखिए ये बैटरी को यहाँ पर रख दिया, और यहाँ पर जब भी टच करूँगा आप कंपास के नीडल का डिफ्लेक्शन को देखिए। ये देखिए, फिर से ये मैंने सेल को टच किया, दूसरे सेल को, ये देखिए इसका डिफ्लेक्शन, ये नीडल उस तरफ गया और फिर से मैं डिस्कनेक्ट जब किया वो फिर से घूम कर आ गया। अभी इस सेल को इस तरह से रखता हूँ पलट कर और इसको यहाँ पर टच करता हूँ। अभी डिफ्लेक्शन देखना आप लोग, देखिए फिर से, यानी पहली बार जब सेल इस तरह था तब कंपास का नीडल का डिफ्लेक्शन उस तरफ गया, यानी साउथ पोल उस तरफ खिंचक गया। जब सेल को इस पलट दिया और ठीक इस तरह से कनेक्शन किया तब इसका जो नीडल था वो प्रूव होता है कि जब भी कोई माध्यम या वायर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होगा तो उसके अगल बगल में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और इस मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव से अगर इसके पास ये कंपास रख देंगे तो उसका नीडल भी रिफ्लेक्शन होने लगेगा। दोस्तों इसी एक्सपेरिमेंट के जरिए ये साफ होता है कि अगर कोई माध्यम या वायर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है।